मॉर्निंग ऑल, आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोग, उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज 1 जून है, तो 1 जून के हिसाब से आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आप इंडिया से यूएई या फिर यूएई से इंडिया अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पूरी डिटेल में बताऊँगा, खासकर इसमें बताऊँगा कि अगर किसी के पास फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी या फिर नए रूल्स क्या आए हुए हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी आपको पता है कि ये मंकी पॉक्स का एक वायरस चल रहा है, उसमें क्या क्या बदलाव नए हुए हैं, ये सभी मैं आपको इसमें वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो का हर अपडेट आपको मिल सके। उसके लिए आपको इसका नोटिफिकेशन बेल आइकन भी आपको ऑन करना होगा, ठीक है? तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो लोग भी यूएई से यानी दुबई या दुबई के किसी भी एयरपोर्ट से अगर इंडिया जाने वाले हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट, अगर आप वैक्सीनेटेड हो, फुली वैक्सीनेटेड हो, WHO से अप्रूव्ड अगर आपकी वैक्सीन है, फुली वैक्सीनेटेड हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना टिकट लीजिए, आप पासपोर्ट लीजिए, ठीक है? और एयर सुविधा पोर्टल पे जो है अपनी जो भी डिटेल्स है उसको आपको फिल करना होगा। अगर उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वैक्सीन का सर्टिफिकेट, जो आपका वैक्सीन लगा हुआ है, वैक्सीन का सर्टिफिकेट, यानी 4 चीज़ें, टिकट, पासपोर्ट, वैक्सीन का सर्टिफिकेट, एयर सुविधा पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना है। 4 चीज़ें आपको चाहिए होंगी, आप इजीली जा सकते हैं। साथ ही साथ जिनके पास भी बच्चे हैं, मान लीजिए 5 साल से नीचे का अगर कोई है बच्चा है आपके पास, उससे कोई रूल्स नहीं है, आप इजीली जा सकते हो। और उससे अगर ऊपर का है तो वैक्सीनेटेड है तो कोई बात नहीं है, अगर अनवैक्सीनेटेड है तो उसके लिए आपको RT-PCR का टेस्ट करवाना होगा 72 आवर्स के अंदर का, ठीक है? ये हो गई यूएई से इंडिया की बात। अब बात करते हैं इंडिया से यूएई के लिए क्या अभी नए रूल रेगुलेशन है। इंडिया से अगर आप यूएई के लिए ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पर भी अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको RT-PCR की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, ठीक है? वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर मान लीजिए आप अबू धाबी या शारजा एयरपोर्ट पर ट्रेवल करो, क्योंकि ये आता है ICA के अराउंड, ICA के अंतर्गत आता है, इसके लिए आपको ICA सर्विस पर आपको जाके रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है? जिसको कहते हैं ICA रजिस्ट्रेशन अराइवल, इस पर आपको जाके रजिस्टर करना होगा, या फिर जिस ट्रेवल एजेंट से आप टिकट कराते हैं वो लोग खुद ही कर देते हैं, ठीक है? उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो वहाँ से भी आपको कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आप अगर आपके पास है तो वही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है? उसी से हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको 48 आवर्स का, ध्यान रखिएगा, यूएई से जाने के लिए 72 आवर्स और इंडिया से आने के लिए 48 आवर्स का RT-PCR का टेस्ट आपको चाहिए होता है, ठीक है? अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इजीली आ सकते हो। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं इंडिया से तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली आ सकते हो, जो मैंने आपको बताया ICA में रजिस्टर करने के बाद। वहीं पर अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो, एक लगा है या 2 डोज लगे हैं या फिर एक को नहीं लगे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आ सकते नहीं है, आ सकते हैं। आपको अब वहाँ से RT-PCR का टेस्ट कराना होगा, देन आप ट्रेवल ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर आप इंडिया से यूएई आ रहे हैं तो बच्चों का क्या रूल्स है। बच्चों के लिए 12 साल से कम की अगर उम्र है तो उसके हिसाब से आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कराने की, उससे ऊपर है वैक्सीनेटेड है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर अनवैक्सीनेटेड है तो फिर आपको वहाँ पे RT-PCR का टेस्ट कराना होगा 48 आवर्स का, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये भी कुछ नए रूल रेगुलेशन है, बाकी बहुत सारे चीज़ें फैल रही हैं कि यार 21 दिन का क्वारंटीन किया जाएगा, लोग थंबनेल में लगा के वीडियोस बना रहे हैं। यार ठीक है, क्या क्या कह सकते हैं किसी को, हाँ क्या ही कह सकते हैं, कोई कैसे क्या कर रहा है। चलो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मंकी पॉक्स का वायरस है, यहाँ केस डिटेक्ट हुए हैं, इसी से डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कहें कि नहीं यार ऐसा कुछ है क्वारंटीन वगैरह का, तो ये कोई मसला नहीं, डोंट वेरी, बी हैप्पी। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, वैसे भी वीडियो आपको मिलती रहती है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करो यार जल्दी जल्दी, भाई को भी सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।